सनसनी ऑफ इंडिया। शालीमार बाग इलाके में 13 दिसंबर को हुई 56 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या व लूट की गुत्थी को क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की टीम ने मात्र 24 घंटे के अंदर सुलझा दिया है। वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि मृतका के सगे भांजे ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर दिया था। आरोपी इतना शातिर था कि वारदात को अंजाम देने के लिए पंजाब से दिल्ली भेष बदल कर आया था, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से पुलिस की पकड़ में आ गया। आरोपी युवक और युवती पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी वैवाहिक जिंदगी से खुश नहीं थे, इसलिए दोनों भागकर शादी करना और विदेश में सेटल होना चाहते थे। इसके लिए इन्हें रुपयों की जरूरत थी। इसी के चलते इन्होंने महिला की हत्या कर घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों की पहचान अमृतसर पंजाब निवासी 31 वर्षीय मधुर कुंद्रा व गांव लोहार जिला तरन तारण पंजाब निवासी 28 वर्षीय अमरजोत कौर संधु के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 1 करोड़ से अधिक कीमत के गहने और 14 लाख रुपए नकद बरामद हुआ है। दिनांक 13 दिसंबर रात मंगलवार 10 बजे थाना शालीमार बाग में एक PCR कॉल मिली। कॉलर का फ्लैट बाहर से बंद था और उसकी माँ का फोन स्विच ऑफ था, लेकिन कमरे में फुल आवाज से टीवी चला हुआ था। कॉल मिलते ही पुलिस टीम बीबी ब्लॉक ईस्ट शालीमार बाग के उस फ्लैट पर पहुंची। पड़ोसियों की मदद से फ्लैट का ताला तोड़ा। अंदर पीड़ित चेतन की 56 वर्षीय मां रजनी मदान बिस्तर पर बेहोश पड़ी मिली। घर से कुछ नकदी और गोल्ड भी गायब था। बुजुर्ग महिला रजनी मदान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूछताछ पर पुलिस को कॉल करने वाले मृतका के बेटे चेतन ने बताया कि वह सुबह अपने ऑफिस गया था और जब वह लगभग 10 बजे रात को लौटा तो उसने अपने फ्लैट को बाहर से बंद पाया। मृतका के बेटे के बयान पर दिनांक 13 दिसंबर को ही थाना शालीमार बाग में FIR संख्या 908/22 धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी। सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुझाने के लिए रोहित मीना DCP क्राइम ने अरविंद कुमार ACP क्राइम ब्रांच एंटी रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की सुपरविजन व इंस्पेक्टर अरुण सिंधु और इंस्पेक्टर के शर्मा के नेतृत्व में SI राहुल गर्ग ASI शशिकांत हेड कांस्टेबल भूपेंद्र गौरव त्यागी व नितिन राठी की एक टीम का गठन किया। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु और इंस्पेक्टर के शर्मा ने क्राइम सीन को देखकर एक बात का तो अंदाजा लगा लिया था कि आरोपी की घर में फ्रेंडली एंट्री हुई है। टीम ने सबसे पहले क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले तो वारदात के समय क्राइम सीन के पास एक सरदार दिखाई दिया। सरदार की फोटो मृतक के बेटे और आसपास के लोगों को दिखाई तो उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पड़ोसियों और मृतका के करीबियों ने भी बताया कि उन्होंने CCTV में कैद सस्पेक्ट सरदार को इलाके में कभी नहीं देखा है। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु को जांच में पता चला कि आरोपी लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद घर को बाहर से लॉक करके भी गया था। घर के ताले की 2 चाबियां थी, एक चाबी मृतका रजनी मदान के पास रहती थी, दूसरी मृतका के बेटे चेतन के पास। जांच में पुलिस को मृतका की चाबी तो घर में मिल गई, लेकिन मृतका के बेटे चेतन के पास उसकी अपनी चाबी नहीं थी। पुलिस ने मृतका के बेटे से चाबी के बारे में कड़ी पूछताछ की, लेकिन चेतन को खुद ही नहीं पता था कि उसकी चाबी कहां खो गई है। मृतका के बेटे को शक के दायरे में रखकर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वास्तव में उससे घर की चाबियों का सेट कहीं खो गया है। अब तक की जांच से अरविंद कुमार ACP क्राइम ब्रांच एंटी रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर को इतना तो पता चल गया था कि वारदात को अंजाम उसने दिया है जो पीड़ित परिवार के बहुत ही करीब है। ACP अरविंद कुमार ने टीम को मृतका के करीबियों बेटे और जान पहचान वालों के साथ साथ घटना के दिन का क्राइम सीन के आसपास का मोबाइल डंप डाटा खंगालने को कहा। घटना वाले दिन का मोबाइल डंप डाटा खंगालते ही टीम को कातिल मिल गया। मृतका के बेटे की कॉल रिकॉर्ड खंगालने पर टीम को एक सस्पेक्ट मोबाइल नंबर मिला जो कि वारदात वाले दिन क्राइम सीन पर एक्टिव था। मृतका के बेटे चेतन से पूछताछ करने पर पता चला कि सस्पेक्ट नंबर मधुर कुंद्रा नाम के व्यक्ति का है, जो कि रिश्ते में उसका कजन भाई लगता है जो कि पंजाब में रहता है। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु को पूरा शक हो गया था कि वारदात के बारे में सस्पेक्ट मधुर कुंद्रा को सब पता है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए इंस्पेक्टर अरुण सिंधु ने मृतका के बेटे चेतन से सस्पेक्ट मधुर कुंद्रा को फोन करवाया। इंस्पेक्टर सिंधु को इस बात का भी डर था कि अगर सस्पेक्ट मधुर कुंद्रा को भनक लग गई कि पुलिस को उस पर शक हो गया है तो वो भाग सकता है, ऐसे में उसे खोजना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए इंस्पेक्टर सिंधु ने मृतका के बेटे चेतन को सस्पेक्ट मधुर कुंद्रा से नॉर्मल बात करने को कहा। बात ही बातों में चेतन ने अपनी माँ की मौत की खबर सस्पेक्ट मधुर कुंद्रा को दी। सस्पेक्ट मधुर कुंद्रा ने ऐसा जाहिर किया जैसे उसे मौत के बारे में कुछ नहीं पता है और उसने मौत पर दुख भी जताया। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु का शक यकीन में तब बदल गया जब सस्पेक्ट मधुर कुंद्रा ने मृतक के बेटे को फोन पर बातों ही बातों में बताया कि वो पिछले काफी समय से दिल्ली नहीं आया है।
इंस्पेक्टर अरुण सिंधु को समझते देर नहीं लगी कि कातिल कोई और नहीं सस्पेक्ट मधुर कुंद्रा ही है। टीम ने आरोपी का मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया। आरोपी की लोकेशन अमृतसर पंजाब के एक होटल से आ रही थी। टीम तुरंत अमृतसर पंजाब के लिए रवाना हुई। टीम ने आरोपी की पिन पॉइंट लोकेशन पर छापा मार कर एक होटल से आरोपी मधुर कुंद्रा और उसकी प्रेमिका अमरजोत कौर को दबोच लिया। दोनों आरोपियों ने हत्या व लूट की बात कबूल कर ली। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि आरोपी मधुर कुंद्रा मृतका की नंद का बेटा है। यह शादीशुदा है और इसका 7 साल का एक बच्चा भी है। इसने मेरठ से MBA की हुई है। वर्तमान में मेडिकल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है और बिजनेस के सिलसिले में इसका अलग अलग अस्पतालों में आना जाना लगा रहता है। आरोपी अमरजोत कौर संधू अमृतसर पंजाब के उपल अस्पताल में बतौर नर्स के रूप में कार्यरत है। इसने जनवरी 2021 में शादी की थी। शादी के तुरंत इसके पति ने इसे छोड़ दिया और दुबई चला गया। इसी दौरान आरोपी अमरजोत कौर संधू आरोपी मधुर कुंद्रा के संपर्क में आई और दोनों में प्यार हो गया। एक साल बाद मार्च 2022 में आरोपी अमरजोत कौर संधू का पति वापस इंडिया आया। आपस में साथ रहने को लेकर अमरजोत कौर संधू और उसके पति के बीच झगड़ा हुआ। इस वजह से उसका पति फिर से वापस दुबई चला गया। इसके बाद आरोपी सुश्री अमरजोत कौर संधू ने अपना मायके और ससुराल से नाता तोड़ लिया और अकेले ही अमृतसर पंजाब में एक PG में शिफ्ट हो गए। इस दौरान दोनों आरोपी मधुर कुंद्रा और अमरजोत कौर संधू ने एक दूसरे से शादी करने और विदेश में शिफ्ट होने की योजना बनाई। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। चूंकि आरोपी मधुर कुंद्रा मृतका का करीबी रिश्तेदार था, आरोपी के मृतका के बेटे चेतन के साथ भी अच्छे संबंध थे। 27 नवंबर 2022 को मृतका का बेटा चेतन किसी काम से अमृतसर पंजाब आया। मृतका का बेटा पंजाब में मधुर कुंद्रा के पास रुका। बातचीत में चेतन ने मधुर कुंद्रा को अपना भाई समझकर अपने घर की कुछ बातें शेयर की। चेतन ने आरोपी को बताया कि उनके पास गोल्ड और नकद में बहुत पैसा है, लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी माँ ने घर में कोई नींद नहीं लगाई है। चेतन की बात सुनकर मधुर कुंद्रा की नीयत खराब हो गई और पैसे लूटने की प्लानिंग करने लगा। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए चेतन के बैग से मृतका के घर की चाबियां चुरा ली थी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने मृतक को लूटने की योजना बनाई और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह में मृतका के घर की रेकी की। रेकी करने के बाद 9 दिसंबर को वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई, लेकिन सफल नहीं हुए। आखिरकार 13 दिसंबर को आरोपी सरदार और सरदारनी का भेष धर के मृतका के घर पहुंचे। आरोपी मृतका की नंद का लड़का था, इसलिए आराम से घर में घुस गया। मौका मिलते ही महिला की तकिए से गला दबाकर हत्या कर दी और घर से जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। अगर आरोपी क्राइम सीन के पास अपना मोबाइल लेकर नहीं आता तो इस मामले को खोलने में पुलिस को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि CCTV में आरोपी सरदार के भेष में कैद हुआ था, जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 करोड़ कीमत की 56 सोने की चूड़ियां, 17 सोने के कंगन, 2 कंगन, 15 सोने की गिन्नी, 1 कड़ा, 1 हार लॉकेट के साथ 4 जंजीर, 1 सोने की चेन, 1 मंगलसूत्र, 12 अंगूठियां, 1 नोजपिन, 100 ग्राम सोने के 2 बिस्किट, 1 हीरा, 1 चांदी की चेन लॉकेट के साथ, 5 चांदी की अंगूठी, 350 चांदी के सिक्के, 5 किलो चांदी की ईंट व 14,40,400 रुपए नकद बरामद किए हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश,
देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।